बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरे आप सब खुश होंगे। ये हमारा एक आम का पौधा है, ये हमें जिंस मिली है, इसको हमने यहाँ से काट लिया था, अब इसके गोशे निकले और ये बड़ा होता जा रहा था, और इसको भी हमने काट लिया है ताकि यहाँ पे फैल जाए, बजाय अब ज़्यादा ऊपर जाने के फल ऊपर दे नीचे फैल जाए, इसको यहाँ ही सेट कर दिया हम लोग ने, क्योंकि यहाँ पे जगह बहुत कम है, हमारी मजबूरी है। अच्छा, मैं असल बात करना चाह रहा था, हमारे यहाँ जो ग्रेप फल है, बारिशों की वजह से इसमें मिट्टी लगी हुई है, किसी पौधे में बहुत ज़्यादा माल है, किसी में बहुत कम है, इसमें कम है उसमें मोटे पौधे में, अभी टाइम भी है, जैसे इस सामने वाले पौधे में ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं, अब देखें इसमें मोटे भी हैं, इसमें मोटे भी हैं और अच्छे भी हैं। ये इंशाल्लाह सितंबर में अगस्त के बाद तैयार हो जाएंगे, और उम्मीद करते हैं कि वज़न भी देंगे। अब इसको एक खाद देनी है हमें, इसको सेटिंग करनी है, एक खाद हम लोग इसको देंगे, इसको मिट्टी लगी हुई है, इसको बारिश पड़ेगी धुल जाएंगे, और उम्मीद है कि ये अच्छे ही होंगे। लेकिन इतने बड़े दरख्त में ये थोड़े से माल लगा है, थोड़ा सा माल लगा है, ये थोड़ा सा फिक्रमंद होते हैं, क्यों ऐसे लगता है, लेकिन हम लोग कोशिश करते हैं, इसको खाद भी अच्छी देते हैं, इसका माल लेकिन इसमें कम लगता है माल, इसमें फ्रूट है, कम लगने की वजह समझ में मुझे नहीं आती। अभी भी इसमें एक चीज़ की कमी महसूस हो रही है, जैसे खाद है, इसको स्प्रे भी होना चाहिए इसको, जैसे इसमें ज़्यादा माल है, अभी किसी में इतना ज़्यादा माल है कि वो उसके टहनियाँ नीचे गिर गई हैं, और किसी में बहुत कम है, और जिसके पत्ते ज़्यादा हैं उसमें माल कम है, जिसमें पत्ते और जब पत्ते कम है उसमें ज़्यादा है, जिसमें पत्ते ज़्यादा हैं उसमें माल कम है। ये देखें, ये अपने हिसाब से पूरा पूरा भरा हुआ है। ये एक मशवरा चाहिए था आप दोस्तों से, अल्लाह के आप मशवरा भी देंगे, दोस्त समझेंगे, इसको देखें और ये तो बाग का काम है, इसमें कांटे भी होते हैं, ये हम लोगों को कुछ ऐसे लगता है कि जैसे अभी ये टाइम लेगा पकने में। कुछ दोस्तों को ये भी अपील है कि प्लीज़ अगर आप ये देखें तो मुझे मैसेज करें, मुझे बताएं ये वीडियो कैसी लग रही है आपको, अगर अच्छी लग रही है तो ठीक है, कोई मसला है या कोई